लॉ ऑफ पुलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ क्या वो न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग। आप लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, ये आज का लास्ट क्लास है जिसका नाम क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग। हो गया क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग लग गया क्या? अब देखो न्यूटन साहब तुम लोग है ना देखो मैकेनिक्स में दिखाई दिए थे न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ, कहने का मतलब उनका लॉ दिखाई दिया था तुम लोगों को ना, मतलब ये है ना। और देखो तुम लोगों को है ना यहाँ पर हीट ट्रांसफर में भी तुम लोगों को दिखाई दिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, समझे बात को। और देखो न्यूटन साहब पता क्या बोले, कूलिंग करने का मतलब क्या है आपका कि कितने देर से ठंडा हो रहा है। अरे कूलिंग करने का मतलब क्या होता है ठंडा होना, ये कूलिंग करने का मतलब क्या होता है ठंडा होना, यही तो बात है ना। आप तुम से क्वेश्चन है, तुम लोगों से क्वेश्चन है, न्यूटन साहब ने बड़ा प्यार से बनाया कि है ना किसी सामान को ठंडा करना है तो उसका रेट क्या होना चाहिए, यानी 21 रेट से है ना ठंडा होगा, ठीक है। ये तुम लोग से क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो है ना कि हम लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, हम लोग पीते सुबह सुबह चाय, यही रहता है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो इसमें चाय वगैरह, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, कोई दिक्कत है क्या? मान लो चाय बना बन गया और तुम कप में निकाल लो, और इस चाय को है ना मान लो कि तुम छोड़ दो 5 मिनट का, दो मौसम में तुम लोग छोड़ना है, एक छोड़ना है विंटर में और एक तुम लोग छोड़ना है समर में, मतलब एक बार ठंडी में इसको रख रहे हैं 5 मिनट मतलब रख रहे हैं और एक बार रख रहे हैं इसको गर्मी में, बताना किस वाले मौसम में जल्दी कूल हो जाएगा ठंडा हो जाएगा? विंटर। क्यों इसलिए कि विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस टी का और बाहर जो है आपका जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है काफी ज्यादा होता है, बात समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि अगर चाय अगर मान लो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मान लो कि ठंडी में कितना रहता है बाहर, मान लो कि 12 मान लो, ठीक है। तो बताओ इस वाले केस में टी और सराउंडिंग डिफरेंस कितना आ जाएगा 32 सेंटीग्रेड। यस सर। लेकिन गर्मी में मान लो देखो चाय अगर मान लो कि अगर 42 पे है तो गर्मी में अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर कितना रहता है बाहर 35 मान लो, ठीक है। तो इस केस में डिफरेंस कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे बात को। तो तुम्हें जैसे बोल दिए ना आप लोग सर ठंडी में जल्दी ठंडा हो जाएगा और समर में वो ठंडा होगा, लेकिन ज्यादा समय लेगा, बात समझ में आया क्या? ये तुम लोग किस बेसिस बोले टेम्परेचर डिफरेंस बेसिस, बात समझ में आया क्या? तो न्यूटन साहब यही बोले कि किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ कूलिंग है वो आपका किसके इनवर्सली होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस का, जितना देखो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा बॉडी का और सराउंडिंग का। हाँ उसी को बोल रहा हूँ, न्यूटन साहब क्या बोले कि किसी बॉडी का रेट ऑफ जो कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है टेम्परेचर डिफरेंस का होता है, समझे बात को। जितना ज्यादा वो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा ठंडा होगा, समझे बात को। ये तुम लोग एक बात देखे हो क्या, जैसे क्या होता है सुबह सुबह कंबल से मान लो कि फेकर निकालते हैं आप पानी से डालते हैं तो बॉडी उतना ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि है ना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, समझे बात को। अपने बॉडी का देखो हाई रहता है और पानी क्या रहता है आपका लो रहता है, तो डिफरेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा देखो ठंडी हो जाती है, बात समझ में आया क्या? तो इसी की बात पे कौन बताया था न्यूटन साहब बताया, ठीक है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, छोटा सा चैप्टर है मतलब टॉपिक है। तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक बार तुम लोग है ना लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देते। अरे यार ये तुम लोग है लिखो इसको रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड बॉडी एंड सराउंडिंग, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अजीब बात है, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब यही ना कि फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा डेल्टा टी। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं
इस वाले केस में बोल सकते हैं, इस केस में है ना हीरो के वो, तो फॉरेन टेम्परेचर आपका है ना, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी अपॉन डी टी ये आपका डिफरेंस हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कितना हो जाएगा आपका टी बी और माइनस कितना हो जाएगा टीएस। एक बार लिख लो, बता रहा हूँ टी बी माइनस टीएस क्या है, टी बी माइनस क्या है, और इस वाले केस में यहाँ पे टी बी क्या है, वेयर टी बी क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी बी क्या है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टीएस क्या है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब है ना जिस मीडियम में या जिस सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, एस यू डबल आर ओ एन डी आई एन, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। एक बात देखो सबको पता है, क्या पता है बताओ, इस वाले केस में क्या है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है ये क्या करेगा डिक्रीज विद टाइम, ये क्या करेगा डिक्रीज विद टाइम, और ये क्या होगा सेकेंड थिंग क्या होगा वेरिएबल होगा। आप लोगों से कोई पूछे कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है, कॉन्स्टेंट होगा टेम्परेचर मतलब वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल होगा। एक बार तुम लोग है ना लिखो, रेट ऑफ कूलिंग हो गया। यस सर। अच्छा ठीक है, इधर देखो किस में बोल रहा हूँ, देखो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है ना कि उस बॉडी का देखो टेम्परेचर देखो कितने से फॉल कर रहा है, फॉल इन टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अब लगे देखो रेट निकाल लेते हैं इसका तुम लोगों का टेम्परेचर डिफरेंस का, तो तुमने बताया है ना। अरे बात था ये फॉरेन टेम्परेचर लिख सकते हैं आपका T upon कितना लिखेंगे, टाइम T लिखेंगे, अगर मान लो स्मॉल चेंज निकालेंगे तो कितना लिखेंगे आपका dT upon कितना हो जाएगा, समझे बात, ऊपर आपका dT क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर और dT क्या है आपका चेंज इन टाइम, समझे बात को, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका TV - TS। जैसे TV का मतलब कैसे है ना, जैसे मान लो अपने पास है बॉडी, इसका मान लो इंटरनल टेम्परेचर आपका बॉडी का देखो TV है, और जिस मीडियम में रखा गया है उधर उधर कितना सराउंडिंग कितना टेम्परेचर है आपका TS, तो जब डिफरेंस निकालेंगे किसका निकालेंगे ना, तब कॉल करेगा यहाँ के डेल्टा टी जो कितना लिखे हैं टीबी माइनस टी एस, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और पता देखो तुम लोगों को कि देखो जनरली अगर तुम अगर रेट निकालोगे डीटी या क्वांटिटी निकालोगे इसका मतलब रेट तो देखो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ करेगा ना, और धीरे ठंडा हो जाएगा ना, जब ठंडा हो जाएगा तो क्या डिक्रीज करेगा, और तुमसे अगर कोई बोले कि है ना कि जो रेट ऑफ कूलिंग क्या कॉन्स्टेंट होता है हमेशा वेरिएबल होता है, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है वेरिएबल, चेंज करते रहता है ना ठंडा होने का पहले धीरे 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 और हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत है क्या। अच्छा एक बात बताओ, ना ना ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ इसका तुम लोग है ना जवाब देना, जैसे कि मान लो कि अपने पास एक बॉडी है, सर अपने पास एक बॉडी है ये सर, और कुछ है अपनी दुनिया में ऊपर वाले की बॉडी दी है, ये जैसे मान लो है ना अपने पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर बॉडी कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे बात को, और ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये तुम लोग को दिया है कितना, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम लोग को दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा देखो, इस बॉडी का यहाँ पे इस बॉडी का टेम्परेचर खुद का देखो 50 पे है और सराउंडिंग कितना है 30, तो धीरे धीरे क्या होगा देखो बॉडी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो धीरे धीरे क्या होगा ठंडा होगा, बात समझ में आएगा, ये हॉट रिलीज करेगा, तो मान लो है ना कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर घट के कितना आ जाएगा मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, फिर घट के बाद 30 के बराबर आ जाएगा। ये तुमसे अगर कोई पूछे ना कि बताओ कि रेट ऑफ कूलिंग कहाँ तक होगा, कहाँ तक ठंडा होगा, तो देखो जिस टेम्परेचर पे सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए, बात समझ में आया, तो ही क्या उतना ही ठंडा होगा, ये मान के बैठते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट, बात समझ में आएगी,
तुम्हें सोचो ना, देखो जितने साल जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो लैब का कहाँ से चेंज करता है टेम्परेचर, वो तो चेंज कॉन्स्टेंट ही रहता है। यस सर, बात समझ में आया क्या? अच्छा मान लो तुमसे कोई बोले कमरे का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही ऑलमोस्ट ही है, बात समझ में आ रहा है? हो सकता है मान लो थोड़ा माइनर का फ्लक्चुएट कर भी रहा हो तो उसे लगभग कितना कॉन्स्टेंट मानते हैं, है ना? हम लोग है ना सराउंडिंग का रेयर केस में मान लो कि बढ़ा सकते हैं, यहाँ हीटर लगा दिए बड़ा उपाय करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में क्या होगा कि धीरे धीरे क्या इसका 50 में था कुछ फॉल करके आपका कितना में चला गया 40। अब तुमसे कोई पूछे नहीं बताओ कहाँ तक फॉल करेगा, उसे फॉल करेगा जितना देखो सराउंडिंग उतना बॉडी आ गया। मान लो इसका देखो 30 आ गया, इसका देखो 30 आ गया, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस अगर कितना आ गया 0 आ गया कोई ट्रांसफर नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है सर। अब तुमसे अगर कोई बोले कि बताओ यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग कितना है, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, तो अभी तुम लोग बताए थे इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा, टीबी बॉडी का टेम्परेचर माइनस कितना होगा सराउंडिंग का, कितना होगा 50 माइनस 30, यही होगा ना? ये आपका किसका प्रोपोर्शन हो जाएगा, आपका 50 माइनस 30 या कितना हो जाएगा प्रोपोर्शन आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यही मतलब हुआ ना? यस सर। ठीक, मैं तुमको बता रहा हूँ मैंने कितना होता है। अब तुमसे अगर कोई बोले कि मान लो यहाँ तक पहुँच गया फाइनल ये 40 पे आ गया तो फाइनल रेट ऑफ कूलिंग कितना आ गया, फाइनल रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा, तब देखो डिफरेंस कितना आ गया, बॉडी का 40 आ गया सराउंडिंग कितना है आपका 30, तो कितना लिखे बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा 40 माइनस कितना आ जाएगा 30 और ये किस हो रहा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों से, क्या क्वेश्चन ये है कि देखो जब टेम्परेचर देखो डिफरेंस अगर काफी ज्यादा होता है तो टेम्परेचर देखो 30 से फॉल करता है। देखो ये बॉडी स्टार्टिंग में मान लो कि 2 सेकंड में किया होगा, ये भी मान लो 2 सेकंड में किया होगा, तो पहले देखो आपका कितना सोचा टेम्परेचर फॉल कर गया बॉडी का 20 से, और बाद में कितना से किया 10 से, बात समझ में आया क्या? देखो इसका मतलब क्या है, देखो जितना देखो टेम्परेचर देखो डिफरेंस ज्यादा रहेगा बॉडी सराउंडिंग का उतना ही आपका जल्दी क्या करें टेम्परेचर फॉल करेगा बॉडी का, समझे बात? और जितना इसका और इसका देखो गैप घटते जाएगा उतना ही क्या करेगा धीरे धीरे फॉल करेगा, बात समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा गैप होगा ये तुम लोग देखिए क्या, ये देखा हम लोग घर पे कि कुकर वगैरह जैसे ढक्कन खोलते हैं ना तो बहुत बाफ निकलता है अंदर से, इसका मतलब क्या है जैसे तो कुछ जो खोलते हैं तो टेम्परेचर गैप तो काफी ज्यादा होता है, बात समझ में आया क्या? तो तेज ठंडा होता है, फिर अगर छोड़ दो तो आराम से धीरे ठंडा होता है, बात समझ में आया क्यों? ये आस पास का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा काफी कम आ गया, बात समझ में आ रहा है? पूरी जगह बजा रहे पता नहीं क्या लिख रहा और वही बोल रहा हूँ कि देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से क्या होगा कूल होगा, अरे वो तेजी से कूल होगा इससे मतलब समय कम लगेगा और बाद में कूल होने में समय क्या लगेगा देखो ज्यादा लगेगा, बात समझ में आ रहा है तुम लोग? नहीं समझ में आ रहा है? छोटे से टाइम इंटरवल में डीटी टाइम इंटरवल में इस बॉडी का टेम्परेचर आपका घट के टी पहले से था इसमें से मान लो देखो डीटी घट गया, बात समझ में आई? अरे यार जितना तुम अगर समय छोड़ते जाओगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ते रहेगा धीरे धीरे ना, तुमसे अगर इसमें अगर रेट पूछ देगा तो रेट प्रोपोर्शन हो जाएगा, रेट आपका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा डीटी अपॉन कितना आ जाएगा, और इसी को तो हम लोग बोल रहे थे आपका न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग। ये आप लोग है ना इसको थोड़ा लिख लो, इसको न्यूमेरिकल करेंगे तब तक क्लियर होगा, ये छोटा सा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक आज का है, फिर कल से स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे धर्म ऐसे बारीक ऐसे करें वायर्स लॉ चार्ल्स लॉ सराउंडिंग बॉडी सर के तो पढ़ना सर जिंदगी में सर, उसके बाद केटी जी, उसके बाद एक खत्म, फिर शुरू करेंगे फ्लो मैकेनिक्स। कल हमने होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को, सो दिया तुम लोग न्यूमेरिकल्स बना होगा क्वेश्चन? हाँ यस सर, तुम ये नहीं किया, तुम अटेम्प्ट किया पूरे कि नहीं किया, तो जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ना तो ऊपर से न्यूमेरिकल देखोगे तब नहीं बनेगा, उसे लड़ोगे पूछोगे तब कुछ बनेगा। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल देखो समय मांगता है, ये दिमाग मत रहना फिजिक्स है क्या आधे घंटे पढ़ लेते फिर कुछ और काम करते, नहीं लगे रहो रजाई के अंदर तभी कुछ होगा। क्या तुम्हारा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं? मतलब नहीं क्यों मिला सर, क्या
कितना क्वेश्चन अपना के देखेगा, 1 घंटा में जाएगा वो। देखो तुम ये कई मत सोचो, ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। अभी देखो ज्यादा समय लगेगा, उस समय के बाद वही क्वेश्चन बहुत कम समय लेगा। अभी क्या देखो, तुमको कांसेप्ट बनाना है, बात समझ में आ रहा है? नहीं, जब बिल्डिंग बनती है तो कई सामान देखो लाना पड़ता है, समझे बात को? एक बार सारा सामान आ जाता है, बिल्डिंग खड़ा करने में बहुत कम समय लगता है। ये तुम्हारे जिंदगी में देखो सब कुछ नया चीज है, समझे बात? पूरे तुम लोग 17 साल तक यही फार्मूला पढ़े आपका ये फिकल टू एम, पूरे 17 साल का फार्मूला क्या था? ये फिकल टू एम थोड़े यहाँ कुलिंग चल रहा था। 11th और 10th का जो सिलेबस है ना, बहुत गैप होता है दोनों में, बच्चा यहाँ तक रहता है, इतना सिलेबस बढ़ जाता है, समझे बात? तो उसको है ना परफॉर्म करने बहुत समय लगता है। हो गया? Yes, sir. यानी तुमने क्या बताया अभी कि है ना, देखो जैसे जैसे सराउंडिंग में छोड़ते जाएंगे तो रेट ऑफ कूलिंग करने जो समय लगा वो ज्यादा लगता है, समझे बात? स्टार्टिंग में क्या रहता है, कम समय लगता है। फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में टेम्परेचर है ना बहुत तेजी से फॉल करता है, तो जब तेजी से फॉल करेगा तो बहुत कम समय लगेगा, और जैसे जैसे वो छोड़ देंगे तो ज्यादा समय लगता है कूल होने, समझे बात? यानी बाद में देखो टाइम क्या रहता है, ज्यादा लगता है कूलिंग होने। बात तो समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम समझ लो। बीमा क्वेश्चन का सर, ये तो पूरा आपका मैं कहती अधूरा है। जब तक तुम लोग है ना चढ़ी, ये तुम लोग है ना क्वेश्चन देखो कि मान लो तुम्हारे पास एक हॉट वाटर कंटेनर है। हॉट वाटर कंटेनर का मतलब क्या है? अरे बताओ भाई, गरम कंटेनर गरम पानी रखा गया है। नहीं, तुम बोले थी हॉट कंटेनर के पानी रख दिया गया है। अगर टेम्परेचर फॉल करता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो टाइम लग रहा है T2। अब उसके बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉल करता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो टाइम कितना लग रहा है T3। तुम लोग बताना है कि इन चारों से कौन सही होगा, T1 greater than T2 greater than T3, ऑप्शन बी T3 greater than T2 greater than T1, ऑप्शन सी T1 equal to T2 equal to T3, और ऑप्शन डी T3 equal to T2 greater than T1। बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब पानी का टेम्परेचर फॉल कर रहा 70-60 समय लग रहा T1, 65 से फॉल कर रहा 60 T2 लग रहा है, और 60 से अगर फॉल कर रहा 55 तो समय कितना लग रहा है T3। तो आप लोगों को बताना है सर, ऑप्शन डी सही है। नहीं, ऑप्शन डी नहीं, सही बोल दिए सर, मतलब T1 सबसे बड़ा है। रेट ऑफ कूलिंग घटने का मतलब क्या है, समय क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। रेट ऑफ कूलिंग घटने का मतलब क्या है, समय ज्यादा लग रहा है? ऑप्शन डी सही होगा। ये बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। लॉजिक है तुम्हारे पास? हाँ सर। बताओ सर, देखिए वहाँ पे टैंक का डिफरेंस सारा टेम्परेचर में नीचे 5 और नीचे भी 5, ठीक है? तो आप बोल ना कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस हिसाब से जो टेम्परेचर कम हम दोनों को और इक्वल है, तो और टाइम जो हम दोनों में इक्वल लगेगा, और टी वन का सबसे ज्यादा है तो उसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी। थोड़ा सा यहाँ पे तो करेक्शन करना है, यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 65। यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे कितना है? 65। हाँ, तो इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा देखो इसमें क्या है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन। अरे यार तुम लोग गलत पकड़ रहे थे,
डिफरेंस का मतलब नहीं है यार, स्टार्टिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी से फॉल करता है, पता है क्यों, हाई टेम्परेचर पे है शरीर इधर कम ही तो है ना यार, तो तेजी से ठंडा होगा, समझे बात को, जब तेजी से ठंडा होगा तो कम समय लेगा ना यार, बात समझ में आया क्या? इसमें देखो आपका, देखो अगर देखा जाए तो सब में देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बताओ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे बात, लेकिन ये तेजी से फॉल करेगा टेम्परेचर, इसको देखो सुनो, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कम समय लगेगा, बात समझ में आया क्या, इसको कुछ ज्यादा लगेगा, इसको बहुत ज्यादा लगेगा, बात समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या होगा, इतनी देखो ज्यादा समय लगेगा, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, वही यार ऊपर बोलते बोलते तेज से भाप निकलता है, उतनी ठंडा होता है स्टार्टिंग में, तो तेज अगर ठंडा होगा तो समय कम लेगा ना, तेज अगर कोई अगर ठंडा होगा तो समय क्या कम लेगा, यही बोल, देखो 70 से 65 आया प्रतिमन लाल, फिर 65 से कितना देखो 60 आया, और देखो समय ज्यादा लेगा है ना, जैसे जैसे बॉडी का छोड़ते जाओगे तो उसका देखो कूलिंग का जो टाइम होगा देखो बढ़ते जाएगा, बात समझ में आया कि कभी ऐसा होता है जैसे मान लो घर वगैरह पे अगर मान चावल अगर बंदा खाली है ना तो मिश्र छोड़ो तो बने रहता है थोड़ा गर्म, मतलब क्या है रेट ऑफ कूलिंग का समय काफी ज्यादा ले रहा, अब तो गर्म है वो, अरे इमेजिन कर प्रैक्टिकल यार, कर चुके हैं सब तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन जेई का करो है ना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन था जेई 2013 का, आईआईटी जेई 2013 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तुम लोग है ना एक बार इस क्वेश्चन को लिखो, ये पीस ऑफ, ये क्वेश्चन आप लोग लिखो, ए पीस ऑफ मेटल, ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड, ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू टेम्परेचर हीटर, टू टेम्परेचर हीटर, हीटर इज केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर, केप्ट इन सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर थीटा नॉट यहाँ लिखा हुआ है थीटा नॉट द नियरली करेक्ट ग्राफ फॉर टेम्परेचर ऑफ मेटल कैपिटल टी, ब्रैकेट में लिखा तो लोग कैपिटल टी वर्सेस टाइम ब्रैकेट में लिखा तो लोग स्मॉल टी इज, मतलब मेटल के टेम्परेचर और टाइम के बीच है ना, इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ आप लोगों को बताना है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जय, ऑप्शन ए, इधर देखो ग्राफ किसका है टेम्परेचर का, इधर ग्राफ किसका है तुम लोगों को टाइम का, ये ग्राफ क्या होगा क्या, ऑप्शन बी है इधर देखो टाइम का ग्राफ है, इधर देखो टेम्परेचर ग्राफ है, तो क्या ये होगा क्या, इसके बाद क्या है ऑप्शन सी, इसके बाद है ऑप्शन सी, इधर देखो टाइम का ग्राफ है, इधर देखो टेम्परेचर का ग्राफ है, तो क्या ये ग्राफ होगा क्या, और उसके बाद डी नंबर में है ग्राफ, इधर टेम्परेचर का है, इधर टाइम का है, इधर देखो टेम्परेचर का है, ये ग्राफ ये हुआ क्या, और ये जो है यहाँ पे कितना है थीटा नॉट, ठीक है, ये जो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, ये तो ग्राफ करेक्शन कर लेना, ये कितना हो जाएगा थीटा नॉट, ठीक, चलो बताओ, रेट ऑफ कूलिंग मतलब मेटल का टेम्परेचर टी है, तो रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा,
इन चारों में से। क्वेश्चन यही का बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। बेचारी का दुनिया बहुत छोटा है, बता दूं। सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। डी ये बहुत बार चल रहा है, वो नहीं लेगा तो हम नहीं लेंगे। एग्जाम कंपटीशन के पास चल रहा है, तुमको जितनी मार्क करना है पता कौन सा हो जाएगा। पहले तेजी से डिक्रीज करेगा, ये काम ही काम करेगा, तो डस्टर काम करेगा, ऐसे भी डालेगा। नहीं सर, फिर अचानक से कौन सा बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? ए सही होगा या ए होगा? बी। ये तुक्का मत मारा करो, डी बी सी बस। बी हम कब से बोल रहे हैं? बी बी होगा। हाँ ये बोल रही हो। हाँ बी, मुझे तो नहीं लग रहा वही होगा। सोचे बैठे दो मिनट, सोच चुके इसका तो लॉजिक बताओ पहले। सर उस राउंडिंग के इक्वल में आ जाएगा तो फिर क्यों डिग्री होगा? उसके बाद वो जो है वो राउंडिंग के टाइम, हां यहां तक लॉजिक सही, लेकिन ये ग्राफ है ना, इसके ऊपर ही देखो ग्राफ है, क्वेश्चन है। हां तो वो डिक्रीज हो रहा है ना टाइम के साथ, बहुत तेजी से डिग्री हो रहा है, मतलब वही जो भी होता है। हलवा है तुम्हारे घर का, हलवा है प्यार को, क्या क्वेश्चन है? मतलब जल्दी से निकल रहा है टेंपरेचर, जल्दी टेंपरेचर निकलता कभी फॉल करता है। क्वेश्चन भले जेई का है लेकिन इसमें पता क्या है ना, देखो बेसिक है ना, उन्होंने चेक किया तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें पता क्या लगता है आईटी जेई क्वेश्चन पता नहीं क्या होगा, तूफान होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। इधर देखो, अरे एक बात बता, जब तुक्का मारना है तो कुछ लगने वाला है, लॉजिक बताओ तो पूरी साफ है। अब कोई बोल देगा ए न सिंह है न पैर है न कुछ, बोलते रहो। इधर देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एक बार बता देखो, मान लो कि अपने पास एक मेटल का टुकड़ा है, यही है क्या? और इसका देखो टेम्परेचर कितना है, ठीक है? यस सर। और इस मेटल प्लेट को देखो, जिस राउंडिंग में रखे, कहीं तो रखे होंगे, यस सर, छत पे रखे होंगे, घर में रखे होंगे, संदूक में, बक्सा में रखे होंगे, इस राउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बताओ? थीटा, थीटा में, यही है क्या? तो भी इसी बात देखो, मेटल के प्लेट में और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस है कि नहीं? हो सकता है ज्यादा कम हो, या हो सकता है ज्यादा कम, पास में आएगा तो कोई तो ठंडा हो गए, यानी इस केस में है ना, ये आपका मीटर क्या करेगा, ठंडा होगा, उसी वजह से ठंडा होगा, इसका देखो ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तब तो फ्लो करेगा हीट, समझे बात? नहीं पहले से पता है क्वेश्चन में कि हीट किया जा रहा है। भैया तुमको हीट की बहुत जरूरत है, आप क्या बोलो? अभी इधर देखो, तुम एक बार बताओ, जैसे अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि मान लो इधर एक्स, सॉरी इधर वाई और एक्स का ग्राफ है, समझे बात? मान लो इसमें कोई पॉइंट यहाँ पर P है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x, y, पता है? इसके स्लोप अगर तुमसे अगर निकालने के लिए बोले थे तो कितना था बताओ? तो tan थीटा का कोऑर्डिनेट कितना निकाल रहे थे तुम? परपेंडिकुलर कोण कितना था? बेस, यानी y / x, यही था क्या? और tan थीटा का हम लोग वहां पे क्या बोल रहे थे? स्लोप बोल रहे थे, स्लोप y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब बताओ, जब y और x का अगर मान लो ग्राफ है तो स्लोप होगा y / x, और यहां ग्राफ किसका बताओ? टेंपरेचर, देखो टाइम का है क्या? तो बताओ यहाँ पर y के जगह कौन है टेम्परेचर और x जगह क्या है वो टाइम, यानी तुमसे अगर कोई बोले कि चारों ग्राफ पर स्लोप होगा, चारों ग्राफ पर स्लोप कितना हो जाएगा? dt / कितना हो जाएगा आपका? dt, यही होगा ना? यस सर। y बोला इधर है, वहां देखो स्लोप देखो y और x का है, तो स्लोप कितना होगा? y / x होता है। यहां बताओ y की जगह कौन है आपका? टेम्परेचर, और x की तरफ कौन है? टाइम, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? dt /
कोई दिक्कत है क्या? और अभी तुम लोग बताए थे ये आपका नेट ऑफ स्लोप कूलिंग फार्मूला है कि रेट ऑफ फॉल और रेट ऑफ कूलिंग कितना होता है आपका, टीबी माइनस कितना होता है, ये है क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इस वाले ग्राफ का एनालिसिस करते हैं, है ना। देखो जनरली क्या होता है, ध्यान दो कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, वेरिएबल होता है और क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है। अब इस वाले ग्राफ पे देखो, इस वाले ग्राफ के अगर मान लो स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे निकालो स्लोप, तो स्लोप निकालो यही मिलेगा क्या? अगर स्लोप निकालो हर एक पॉइंट का, तो मुझे लगता है कि इस वाले ग्राफ देखो स्लोप कांस्टेंट आ रहा है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब यही है कि dt और quantity के मान क्या है, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। यदि चेंज नहीं है तो फॉल कैसे करेंगे? मतलब ये ग्राफ सही इस वाले को देखो, इस वाले में क्या देखो, मैं मान रहा हूँ ना कि देखो मान लो कि फॉल कर रहा था, कुछ समय के बाद है ना टेम्परेचर आपका इक्वल होगा, जितना आपका मेटल का था उतना सराउंडिंग का होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ जो फॉल कर रहा था ये तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? स्लोप कांस्टेंट आ रहा है ना, देखो स्लोप क्या है कांस्टेंट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फॉल डिक्रीज करना चाहिए। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में अगर देखो समझ में नहीं आ रहा है तो मान लेते हैं इसमें है ना एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर फॉल करने में समय कितना लग रहा है आपका, छोटा स्मॉल मानते हैं आपका डीटी लग रहा है, समझे बात। लेकिन यहाँ देखो फॉल कर रहा टाइम के साथ, क्या कर रहा फॉल के साथ, यहाँ भी अगर तुम अगर स्ट्रिप ले लो आपका, तो देखो इस केस में आपका देखो जितना ज्यादा गैप है उतना ही देखो कैसे फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी तुम अगर टाइम बढ़ा लो, इस स्ट्रिप को तुम कट कर लो, देखो तभी देखो टेम्परेचर क्या कर रहा है फॉल कर रहा है, तभी क्या कर रहा है आपका फॉल कर रहा है, इतना फॉल नहीं कर रहा है क्या? यहाँ पर तुम ले लो, यहाँ अगर फॉल करेगा तो इतना फॉल कर गया टेम्परेचर। इस वाले केस में टाइम के साथ देखो आपका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, मतलब बॉडी क्या है। इस वाले को देखो, इस वाले केस में क्या कुछ तो हो रहा है ना, लेकिन इस वाले केस में क्या जाए कॉन्सेंट रहा, समझे बात। ये प्रैक्टिकली आपका ये सही आपका नहीं हो, उतना फॉल नहीं कर रहा, यानी इस वाले केस में सही कौन सा हो जाएगा? ये तुम लोग इसे छाप लो, समझ में आया जी? अनुप्रिया जी बोलिए ना जी, हो गया छोटी जो कोई दिक्कत तो नहीं ना, आज समझ में आया तुमको? ठीक खराब करें इसको छोटी। आप देखो बात ये है ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे अगर तुम लोग को न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे, समझे बात। ये तो बकायदी हो गया, इसे कॉल करेगा तैसे जो भी होगा। अब क्या करते हैं कुछ फार्मूला निकालते हैं ताकि कुछ हम लोग सीख सके, है ना, कि इस वाले पे अगर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल आपका थ्योरेटिकल था, रेट ऑफ कूलिंग किधर थे, इधर देखो दोस्तों, तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया क्या?
न्यूटन्स लॉ ऑफ पुल। हो गया और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है थीटा है। इसका मतलब सराउंडिंग अब कहना है कि इस वाले बॉडी को है इस वाले सराउंडिंग में छोड़ दिए कितने समय के लिए डेल्टा टी समय के लिए क्या कर दिए इसको छोड़ दिए तो क्या होगा इसका देखो टेम्परेचर फॉल करेगा और मान लेते टेम्परेचर फॉल करने के बाद इस बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया थीटा है। फॉल करने के बाद इस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया थीटा है। समझे बात को ठीक। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब यही होता है ना। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है फॉल इन टेम्परेचर। क्या होता है फॉल इन टेम्परेचर अपॉन क्या होता है टाइम। यही होता है क्या रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है फॉल इन टेम्परेचर अपॉन क्या होता है टाइम। अब एक बात बताओ यहाँ पे इसका जो फॉल कर रहा है टेम्परेचर कितने से फॉल कर रहा है। मुझे लगता है कि इस वाले केस में लग रहा है कि थीटा आई माइनस कितना हो रहा है आपका थीटा है ये हो रहा है क्या ऐसे फॉल कर रहा है अपॉन टाइम कितना समय में आपका डेल्टा टी। बताओ किसका प्रपोर्शन था टेम्परेचर डिफरेंस था क्या यस सर। एक तुम लोगों को टीबी माइनस कितना था टीएस। कोई दिक्कत है क्या। देखो जनरली क्या है ना कि थीटा एस तो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दिया है क्या यहां पे दिया हुआ है क्या यानी यहां से लिख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर माइनस है फाइनल टेम्परेचर अपॉन डेल्टा टी प्रपोर्शन किसका हो जाएगा टीबी माइनस टीएस कितना किसके बराबर है थीटा इनटू एस के बराबर। देखो जनरली पता क्या होता है सुनो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में अगर आप लोगों को देखो बॉडी का अगर टेम्परेचर निकालना है इसका निकालना है बॉडी का टेम्परेचर निकालना है तो आप लोग क्या निकालोगे इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है फाइनल कितना हुआ इन दोनों की एवरेज निकाल लोगे। मतलब है ना बुक में दिया हुआ कि जब बॉडी का निकालना है टेम्परेचर तो क्या करो तुम लोग थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय कितना होगा आपका यानी करने का मतलब क्या है कि आप लोग क्या निकालना है एवरेज टेम्परेचर निकालना। बात समझ में आया कि इसमें पुट कर दो। अच्छा एक बात बताओ ये साइन अगर हटेगा प्रोपोर्शनल कोई कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि आ जाएगा यानी बोल सकते हैं कि थीटा आई माइनस आपका थीटा एफ अपॉन आपका डेल्टा टी इक्वल टू के इनटू कितना आ जाएगा थीटा आई प्लस थीटा एफ बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा थीटा। बात समझ में आया कि यही फार्मूला किसका है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ए तुमसे अगर यहां कोई पूछे के कांस्टेंट है डिपेंड किस पे करता है मटेरियल पे करता है उस बॉडी के एरिया पे करता है सेकंड डिपेंड करता है इस बॉडी का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना है। बात समझ में आया कि यहां तुम लोग यहां तो छाप लो वेयर के इज कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट यही फार्मूला है वेयर के इज कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय 2 माइनस थीटा एस। इस वाले फार्मूला के हेल्प से है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हम लोग क्या सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ये बाकी सब तुमने को लेगा ना थीटा आई क्या है थीटा इनिशियल क्या है हां इधर में ना कितना बोलते तुम तो आई का मतलब इनिशियल होता है का मतलब क्या होता है फाइनल। अरे सर बोर्ड पर लिखा था बताते रहते हैं तुम लोग स्मार्ट बच्चे सर आप ऐसे कैसे सोच रहे सर मैं स्मार्ट बच्चे ऐसे पैदा हमने हीरो बोले थे वो दिन बदल दिया अनुप्रिया तुमको घर से चाय वगैरह ले आना चाहिए तुमको मुझे के लिए मेरा मास्टर जी का फोन है ना अगली बार से अगर तुम बोल दो ये तुम लोग कुछ प्रोजेक्ट नहीं बना रखे 26 जनवरी के लिए क्यों भाई सही में तुम लोग बनाना चाहिए। चल मैं बात अरे पूछा क्या किया इसमें ओबीसी बात है 26 जनवरी पूछने की कौन सी बड़ी मतलब पता ही नहीं था हां कोई बोला तक नहीं कि कुछ हो रहा है ऐसा वैसा वो तो किसी ने बोला गया सबको बोला गया अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते तो ये वो तुम लोग कोई बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ है ना जैसे मशीन वगैरह है ना हां
हाँ सर अमूल गुल का तुम लोग है ना कुछ बढ़िया व्यक्ति वाला अमूल गुल है सर उसको नहीं दीजिएगा सर देखो कचरा से उठा के ले आओ वो उठा के ले आए सर सपोर्ट आओ यस सर ये ना कर के उठा के अपनी में से कचरा से उठा के आ तो रिसाइकल भी यूज करो उसको साफ करके सही उसको फिर कर दे हो गया डिकर्स लॉ ऑफ कूलिंग में तुम लोग को ना ये फॉर्मलाइज करना है थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल अपॉन डेल्टा टी कर टू के ए टू थीटा इनिशियल पर थीटा फाइनल बाय 2 माइनस थीटा एस यहां पर थीटा एस क्या है सराउंडिंग का टेंपरेचर और बाकी बॉडी का निकालना तो क्या निकालते हैं एवरेज निकाल लेते हैं हो गया ये किलो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन है सर प्यारा तो है सर जमीन प्यार ही नहीं मिला सर क्या करें सर प्यार बहुत जरूरी है सर ठीक है एक तुम लोग है ना एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग ए लिक्विड कूल्स ए कूल्स का मतलब क्या होता है ठंडा होना A liquid cools from 70 degree centigrade to 60 degree centigrade in 5 minutes. In 5 minutes, calculate the time. Calculate the time in which It cools from 60 degree centigrade to 50 degree centigrade if temperature of surrounding is 30 degree centigrade क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 70 से 60 आने में बॉडी कितना समय लगता है 5 मिनट तो आप लोगों को निकालना है कि 60 से 50 आने में बॉडी को ठंडा होने में कितना समय लगेगा बशर्ते कि आप लोगों को सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड यह बेसिक क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन जल्दी करो अरे हम तो हटिए रहे हैं ये तुमने टोपी जब पहन के आई हो तो इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो है ना द बॉडी कूल्स फ्रॉम 70 से 70 से सॉरी इन 5 मिनट एंड कैलकुलेट द टाइम इन व्हिच इट कूल्स फ्रॉम 60 से है ना 50 डिग्री सेल्सियस इफ टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो हो गया बने क्या महाराज क्या हुआ जी अरे इसको कितनी ठंडी पड़ रहा है पांच मिनट और टाइम मिनट में
ले गया सेकंड मैं तो ये कह रहा हूं वो किसमें दिया होगा मिनट कैसा मिनट में या तो उत्तर अंतर जाकर तो मैं पूछता हूं क्या यहां पर शेड्यूल आ रहा हूं ऊपर 70 से 60 करके बात ही सब ऊपर आया नहीं तुम लोगों से इतना काम कौन समय लेता है पापा अब दो दिन बाद तुम लोग फर्मुला सब भूल जाएगा सब तुम जो ये बोल रही थी कि तुम बात बता दिया मुझे सर सेफ कैबिनेट डिफरेंस के लिए सेफ समय लगना चाहिए इधर देख जब 70 60 है कितना लगा तो 60 से 50 आ रहा तुम्हारा तो डिफरेंस तो सेम ही तुम हाथों जैसे बोल रहे थे पहले वैसा टेम्परेचर डिफरेंस अगर बराबर है समय बराबर रहेगा तो मुझे ऐसा मान लेना चाहिए ये तुम लोग आया जी ये तुम लोग हैं इधर देखो कोई दिक्कत नहीं ना ये सेकंड वाले केस में बताओ बॉडी टेंपरेचर कहां से कहां फॉल कर रहा है 68 सेंटीग्रेड से कहां तक फॉल कर रहा है बताओ 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये याद है इस वाले केस में और मान लो समय कितना लग रहा है टी लग समय कितना लग रहा है टी ये देखो समय कितना लग रहा है टी इन इस वाले केस में देखो थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा 7 और थीटा फाइनल कितना आ जाएगा 50 फार्मूला लगाओ कितना आ जाएगा 60 माइनस कितना आ जाएगा 50 और समय कितना लग रहा है टी इज इक्वल टू के इनटू कितना होगा दोनों सम करते हैं कि थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय कितना आ जाएगा और सराउंडिंग कितना बताओ 30 यहां से मुझे लगता है कि tan अपॉन कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू के बताओ यहां से कितना आ जाएगा 110 / 2 कितना आ जाएगा 55 माइनस 30 कितना आ जाएगा 25 यानी ये आ जाएगा मुझे लगता है कितना आ जाएगा 25 के सेकंड इक्वेशन ले लो अब ऐसा करो कि इक्वेशन 1 को तुम 2 से डिवाइड करो तो वहां देखो कितना 2 और नीचे अगर तुम डिवाइड करोगे 10 / 30 से ऊपर देखो कि चल जाएगा
नीचे कितना आ जाएगा टेन, एक आठ देखो वन डिवाइड किया क्या, ऊपर कितना बताओ पैंतीस के और नीचे कितना है बताओ ट्वेंटी फाइव के, तो के कैसे मर गया क्या पच्चीस पच्चीस और साथ में कितना आ गया पैंतीस, यानी देखो टू टी अपॉन टेन इक्वल टू सेवन अपॉन कितना आ जाएगा फाइव, पाँच का दस दो कट गया टी इक्वल टू कितना आ जाएगा सेवन, देखो यहाँ पे टाइम टू मिनट लिया था क्या, यहाँ समय किस में आ जाएगा, यानी कहने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने समय कितना लग जाएगा सेवन मिनट, समझ में आई बात क्या तुम लोगों को, ये तुम लोग बोल रहे थे सर देखो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है आपका सेम रहेगा तो समय सेम लगेगा, नहीं लगेगा देखो पहले देखो सत्तर साठ है तो पाँच लिया फिर देखो फिर साठ से पचास तो समय बढ़ गया कितना लग गया सात मिनट, बात समझ में आएगा, फिर तुमसे कोई अगर मान पूछेगा कि पचास से चालीस से कितना समय लगेगा इससे देखो बढ़ जाएगा, बात तो समझ में आ रहा है क्या, यानी इस वाले केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा सात मिनट, ये तुम लोग मोहतरमा जो बोल रहे थे इक्वल होगा डिफरेंस होगा तो नहीं, बॉडी को देखो जितना लोग छोड़ते जाएंगे तो उसका क्या होगा रेट ऑफ कूलिंग का समय क्या होगा बढ़ते जाएगा, ये समझ में आया इसको, तुम बोला कर यार और पीछे दोनों क्या पूछ देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये फार्मूला याद है ना बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना समझे बात को, कभी पूछ लेगा थीटा का मान कितना होगा कभी मान पूछ लेगा समय कितना लगेगा और कुछ नहीं पूछेगा, हो गया एक क्वेश्चन तो और याद, लास्ट क्लास है कल शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स समझे बात को, थर्मोडायनेमिक्स ये आप लोग है ना क्वेश्चन को सॉल्व करो है ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई बॉडी का टेम्परेचर है ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में समय लग रहा है 5 मिनट, कितना लग रहा है बताओ 5 मिनट, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में समय लग रहा है इसको 4 मिनट, 4 मिनट तो कहता है कि व्हाट विल बी सराउंडिंग टेम्परेचर, तो बोल रहा है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी देखो थीटा एस का मान कितना होगा, ऑप्शन ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे कि जो फॉल कर रहा है इस वाले केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, इस वाले केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा, ये बताना किसके आंसर है क्या क्या लेके आई ये खतरों खिलाड़ी इन लोग हैं ठंड में दही खाते हैं भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं के सामने हैं इसको बोलते आसान मुझे मां हम दही खाते हैं अच्छा ऐसा है क्या सूजी कढ़ी खा लेते हैं ये बताओ इसका आंसर कुछ आया क्या किसी का कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा व्हाट विल बी सराउंडिंग टेम्परेचर चुपचाप तुम फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ तुम ले
चीजें होती है। सही आ रहा है। ये सबसे पहले आप लोग है ना फॉर्मूला लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के इनटू थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय कितना है टू माइनस कितना है थीटा एक्स। यही है क्या? ये फर्स्ट वाले केस में थीटा इनिशियल कितना है 80 और थीटा फाइनल कितना है 60। यानी फर्स्ट वाले केस में 80 माइनस 60 और समय कितना लग रहा 5 इज इक्वल टू के टाइम्स दोनों को सम कर दो तो 80 प्लस 60 बाय 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम लोग को निकालना है ये कितना हो जाएगा थीटा एस। यहां से लगता है देखो 20/4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या इज इक्वल टू के। यहां से अगर तुम निकालोगे तो मुझे लग रहा है कितना लग रहा है ये 80 प्लस 60 कितना आ जाएगा 140 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 70। यानी इस वाले केस में 70 माइनस कितना आ जाएगा थीटा एस। इसको इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड वाले केस में कितना होगा, सेकंड वाले केस में 60 माइनस 50 और समय कितना लग रहा है 4 इज इक्वल टू के इनटू दोनों को सम कर दो 60 प्लस 50 बाय 2 और थीटा एस को निकालना हम लोगों को। यहां से हो जाएगा 10 बाय कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू के यहाँ तुम लोग करोगे 110 बाय 2 कितना आ जाएगा 55 माइनस कितना आ जाएगा थीटा। इसको इक्वेशन सेकंड मानो। अब आप लोग ऐसा करो इसको डिवाइड कर दो तो इक्वेशन 1 को अगर तुम लोग 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है डिवाइड करने के बाद 4 ऊपर चल जाएगा यानी 60 अपॉन कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू यहाँ के तो कैंसिल हो जाएगा यानी के कितना हो जाएगा 70 माइनस थीटा एस अपॉन के इनटू कितना आ जाएगा 55 माइनस कितना आ जाएगा थीटा एस। के से के मर गया और सिंपलीफाई कर दे क्या 8 कर देते 5 कर देते एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 इनटू कितना आ जाएगा 30 आएगा 55 माइनस थीटा एस इक्वल टू 5 इनटू हो जाएगा 70 माइनस कितना आ जाएगा थीटा एस। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब इसमें मल्टीप्लाई करो तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा ये 440 हो गया क्या माइनस आपका 8 इनटू कितना आ जाएगा थीटा एस ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 350 माइनस कितना आ जाएगा 5 इनटू कितना आ जाएगा थीटा एस। इधर लेके आ जाओ तो मुझे लगता है कि 440 माइनस 350 ये इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 8 इनटू थीटा एस माइनस कितना हो जाएगा 5 इनटू थीटा एस। यहां से तुम लोग करोगे मुझे लगता है कि कितना 90 आ जाएगा क्या 90 आ जाएगा ये आएगा क्या ये इक्वल टू कितना आएगा 3 इनटू थीटा एस एक कट गया यानी सराउंडिंग का टेंपरेचर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग का टेंपरेचर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है क्या? यस सर। ये मुझे लग रहा है कि सभी लोग का हो गया होगा और चल एक बार तुम लोग जो बताएं अभी है ना एक बार तुम देखो जल्दी जो एक बार आप लोगों को बताएं एक बार तुम लोग है ना इसको देखो एक बार आप लोग जो बताए हैं ना एक बार उसको देखो
हो गया ठीक है। ये तुम लोग है ना, अभी देखो ये तुम लोग है ना, देखो देख रहे हो क्या, देखो अब बात ये तो हो गया है ना। अब क्या करते हैं, जो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्या चीज है इसका प्रूफ कि सर जो न्यूटन्स लॉ है इसका कुछ प्रूफ वगैरह है कि नहीं, तो आप लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ प्रूफ ऑफ। देखो पहले तुम लोग न्यूमेरिकल कमाए, अब इसमें लास्ट में शायद तुम लोग को दिखाते हैं प्रूफ। चलो देखो तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ तुम लोग कॉपी पर प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग हो गया क्या? हाँ एक बार कॉलेज में ध्यान दो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ पुलिंग क्या है, या ऐसे तुमने बताया था अभी कि रेट ऑफ कूलिंग किसका प्रोपोर्शनल था आपका कि बॉडी माइनस कितना था आपका टेम्परेचर आपका सराउंडिंग ठीक है क्या? एक परसेंट तुमने और बताया तुम लोगों को कि रेट ऑफ कूलिंग न्यूटन का ही है क्या, 90% कितना था टेम्परेचर डिफरेंस का, ये डेल्टा टी माइनस टीवी का मतलब क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, हम लोग यही प्रूफ करना है ना, न्यूटन जो रेट ऑफ जो कूलिंग है ये आपका ये हमें प्रूफ करना है। अरे प्रूफ करते ध्यान दो, ये मान लो है ना देखो अपने पास एक बॉडी है, ध्यान देना अपने पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है टी, अपने पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है टी, कोई दिक्कत है क्या? और सराउंडिंग का मतलब इसका टीवी मान लेता हूँ, मतलब बॉडी का हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो देखो इस वाले बॉडी को सराउंडिंग में छोड़ देंगे उस समय के लिए, तो मान लो है ना इसका देखो अगर लो टेम्परेचर है, इसका बॉडी का हाई टेम्परेचर है, तो क्या करेगा आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में इस बॉडी का जो टेम्परेचर आपका, इस बॉडी का जो टेम्परेचर आपका देखो पहले देखो टी भी था, इसमें से मान लो आपका डीटी क्या हो गया कम है, बात समझ में आया कि पहले टी भी था इतना समय छोड़ दिया इस वाले सराउंडिंग में, तो कितना फॉल कर गया टी भी माइनस आपका डीटी, कोई दिक्कत है कि? एक बात बताओ तुम लोग को बताया थे जब अगर टेम्परेचर अगर फॉल करता है किसी बॉडी का, इस बार पहले तो कर रहा है ना, इस वाले केस बॉडी के देखो फॉल कर रहा है, पहले देखो टीवी था पर टीवी देखो इतना डीटी कम गया, बात समझ में आ रहा है तो फॉल कर रहा है। तुम लोग बताए थे अगर किसी बॉडी के अगर टेम्परेचर मान लो कि फॉल करता है तो हीट इमर्ज करता है, हीट क्या करता है इमर्ज करता है, अरे मान लो कुकर से अगर मान लो डालते हैं कूदते हैं तो हीट से फॉल करता है, हीट निकलता ही नहीं करता है। इस वाले केस में देखो टेम्परेचर अगर फॉल कर रहा है, इस वाले केस में अगर टेम्परेचर क्या कर रहा है आपका फॉल कर रहा है, तो फॉल करने में हीट निकलता है, कितना हीट निकलता है आपको बताए थे ई वी इक्वल टू आपका एएमसी कितना होता था आपका जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला कैसे मालूम चल गया सबको बता दे पिछले क्लास में, टेम्परेचर फॉल करता है हीट इमर्ज करता है, गर्म लोहे को अगर पानी में डाल दो हीट निकलता है, बात समझ में आ रही है ठीक है। ये कल आप लोगों को बताए थे हम लोग क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को टारगेट क्या है आपका ना उसको प्रूफ करना, ये तुम लोग कल बताए थे कि फ्रॉम सर कितना फ्रॉम कराओगे, फ्रॉम स्टीफन From Stephen Boltzmann law, कल तुम बताए थे कि dQ upon आपका dt rate of flow है ना था आपका heat कितना था e sigma a क्या था आपका t के power 4 minus आपका t के power कितना था 4, वहाँ था t में t note कर दिए थे yes sir, कल वाली क्लास में क्या किया था आपका इसको t note कर दिए थे, वहाँ t note किसका temperature था surrounding, यहाँ पे surrounding का temperature कितना मान के बैठे थे, इसका मतलब बात समझ जाए तो थर मैंने बात, इसका मतलब सराउंडिंग होता है, अभी समझ जाना यार है ना बोल का ठीक है मन नहीं कर। आज एक बात कहो
यहाँ पर इस फॉर्मूला की क्या था एमिसिविटी, अगर मान लो कि ब्लैक बॉडी होता है इसका मान कौन हो जाता है सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट होता है यस सर है ना, और ये क्या होता है एरिया, डी बॉडी का टेंपरेचर है, डी टेंपरेचर किसका है आपका डी बॉडी का, और टीएस किसका टेंपरेचर है सराउंडिंग, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहां पे जो डीक्यू है क्या डीक्यू के बदले हम लिख सकते हैं क्या एएमसी डीटी, लिख सकते हैं क्या, यानी इसको लिख सकते हैं आपका यहां से एएमसी डीटी अपॉन आई यहां डीटी इक्वल टू ई सिग्मा ए इनटू कितना आ जाएगा टीबी के पावर 4 माइनस टीएस के पावर, कोई दिक्कत है क्या? ये देखो यहां पे जो एमसी है इसको देखो नीचे भेज दो, तो यहां से मुझे लगता है कि डीटी अपॉन डीटी इक्वल टू ई सिग्मा ए अपॉन कितना आ गया एमसी इनटू टीबी के पावर 4 माइनस टीएस के पावर कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अच्छा एक बात देखो क्या, देखो ई एमिसिविटी है ना कांस्टेंट है, सिग्मा देखो स्टीफन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एरिया देखो चेंज तो करने वाला नहीं है, अगर मान लो तुम यहां पे अगर स्फीयर ले लोगे उस एरिया वही एरिया रहेगा चेंज नहीं करेगा, मास कांस्टेंट रहेगा और किसी पार्टिकुलर बॉडी का सिग्मा भी क्या होता है कांस्टेंट है, यानी मुझे लगता है पूरा का पूरा जो वैल्यू है पूरा का पूरा वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट है, क्या है आपका कांस्टेंट, लेकिन एक कांस्टेंट मान लेते क्या मान लेते मतलब इतने के मान लेते तो क्या लिख सकते हैं क्या dt / dt इज इक्वल टू k into tb के पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा टीएस के पावर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये तुमने बताया है कि यहाँ पे कि अगर ये बोले ना कि बॉडी का टेम्परेचर टीबी और माइनस टीएस का टेम्परेचर, ये जो दोनों का जो डिफरेंस टेम्परेचर बॉडी का इसका है वो किसके बराबर है यहाँ पे डीटी के बराबर है ना, इसको लिख रहे हैं आपका किसके बराबर है आपका डीटी के बराबर, बॉडी का और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर का डिफरेंस किसके बराबर है आपका डीटी के बराबर है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, मुझे लगता है डीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा डीटी अपॉन कितना लिख सकते हैं टीएस, कोई दिक्कत नहीं ना, अब टीबी की वैल्यू तुम यहां इसको पुट करो तो मुझे लगता है हो जाएगा डीटी अपॉन आपका डीटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट मान लिए और यहां पे टीबी इक्वल टू लिख सकते हैं बताओ क्या डीटी अपॉन टीएस के पावर कितना लिख देंगे 4 और माइनस कितना लिख देंगे टीएस के पावर कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना बोला यार नहीं ना, एक बार तो अगर टीएस पावर 4 अगर मान लो यहां से अगर कांस्टेंट बाहर निकाल दिए डीटी अपॉन आपका डीटी इज इक्वल टू के रहने, ये अगर देखो तुम टीएस पावर 4 अगर मान लो कि अगर बाहर निकाल दिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो डीटी अपॉन आपका टीएस अपॉन देखो टीएस करना पड़ेगा और पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस, वो दिक्कत तो नहीं ना, अरे पूरे टर्म को यहाँ से डिवाइड कर दो यहाँ से निकाल लिए ये देखो बाहर आ गया इसमें डिवाइड हो गया, देखो पावर यहाँ भी 4 था यहाँ भी 4 था इसमें कर दी ऊपर पूरे पावर 4 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलना है ठीक है, तो और कुछ सिंप्लीफाई करेगा अनुप्रयोग समझ में नहीं आ रहा सर हम क्या बिल्कुल नहीं आ रहा के इनटू कितना हो गया टीएस मोर कितना आ गया 4, ये इसको तो सिंप्लीफाई कर देगा, देखो टीएस अपॉन टीएस अगर तुम लोगे 1 आ जाएगा क्या यस सर, यानी मुझे लगता है कि 1 आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा डीटी अपॉन कितना आ जाएगा टीएस पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस, कोई दिक्कत है? एक बात मान के बैठो कि देखो यहां जो टेंपरेचर जो डीटी जो फॉल कर रहा है ए डीटी जो फॉल कर रहा है इज क्या है आपका वेरी वेरी लो, ये क्या है आपका इज वेरी वेरी क्या है आपका लो, काफी कम फॉल कर रहा है, बात समझ में आ रही है, मान लो काफी अगर कम फॉल कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ सुनो, ये अगर मान लो कि काफी कम है सराउंडिंग अगर मान लो काफी ज्यादा है इसको तुम डिवाइड करो तो क्या इसका वैल्यू देखो 1 से कम है, बात समझ में आ रहा है कि ये कम से मान लो चेंज कर रहा है और सराउंडिंग का ज्यादा मान लो ऊपर 10 से कर रहा है और सराउंडिंग का मान लो कि 60 या 70 है तो डिवाइड वैल्यू 1 से कम आएगा, तो तुमने एक फार्मूला बताया था कि 1 प्लस अगर x की पावर अगर n है और x वैल्यू अगर मान लो 1 से कम है तो फार्मूला कितना तो 1 प्लस nx मतलब पावर को मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इस वाले केस में पावर क्या होगा इसमें आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि dt / dt k into ts के पावर 4 into कितना आ जाएगा 1 plus 4 into dt upon कितना आ जाएगा ts minus कितना आ जाएगा, ये minus plus cancel हो गया क्या yes sir minus plus क्या हो गया cancel, यानी यहाँ से बोल सकते हैं dt upon dt is equal to k, देखो पूरा simplify करो देखो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ गया 4k कितना आ जाएगा 4k, कोई दिक्कत है क्या, देखो नीचे ts है
ऊपर देखो टी के पावर 4s यहां लगता है कि ts कितना आ जाएगा q और कितना आ जाएगा कोई दिक्कत है नहीं ना अब ध्यान दो 4 कांस्टेंट और k को देखो यहां पहले क्या मान के बैठे थे कांस्टेंट अब देखो अब कह देखो ts ts क्या देखो सराउंडिंग टेंपरेचर क्या कोई चेंज करने वाला है जैसे मान लो हम अभी यहां पे हैं इस कमरे में तो सराउंडिंग टेंपरेचर तो बराबर ही इक्वल ही है वो तो चेंज नहीं कर सकते यानी बोल सकते हैं कि पूरे का पूरा वैल्यू भी क्या हो जाए कुछ कांस्टेंट है ये क्या है आपका कांस्टेंट है इसको एक नया कांस्टेंट मैं मान लेता हूं केडस कितना मान लेता हूं केडस इसका मतलब यही है इसका देखो मतलब यही है क्या कि dt / आपका dt एक केडस इन कितना आ जाएगा dt अब देखो dt क्या था dt था बॉडी और सराउंडिंग का टोटल डिफरेंस यस सर यही था क्या यानी बोल सकते हैं कि जो dt / dt है यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है ये क्या फंक्शन किसका आ जाएगा आपका एडिटिंग कर दो कैपिटल के कर दो ये कारण किसमें कर जाएगा आपका क्या हम लोग यही प्रूफ करना था क्या डीटी क्वांटिटी का मतलब क्या रेट ऑफ कूलिंग हो गया ना यही मतलब है ना रिकॉर्ड कितना ये क्या प्रूफ हो गया क्या अब ये तुम लोग को डेरिवेशन समझ में आया क्या अब ये पहले बोर्ड के एग्जाम में ना क्वेश्चन आता था शायद तुम लोग के एग्जाम दोगे 11th का कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आप लोग प्रूफ करो नो सर अरे अब आएगा यार तो न्यूटन्स जाते एग्जाम में सर ये तुम्हारे चैप्टर से तुम बर्बाद हो देरी लो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यही तुम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक प्रूफ है लगता है कि तुम लोग समझ में आ गया होगा घर पे एक बार जाके करोगे तुम लोग सही से तो समझ में आ जाएगा एक बार तुम लोग स्टार्टिंग क्लास में बताए किसी बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है तो हीट निकलता है कितना हीट निकलता है क्यू कन्वर्ट एमसी डेल्टा टी स्मॉल चेंज निकाले तो क्यू कन्वर्ट किसमें कर गया डी क्यू में और डेल्टा टी कन्वर्ट किसमें कर गया डी टी में तो 11th क्लास में ये डेरिवेशन तुम लोगों को पूछता है स्टार्टिंग में आप लोगों को न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया अब तुम लोग करवा दिए भैया इसका डेरिवेशन अब ये जो फार्मूला है डेरिवेशन है यदि आप पहली बार देख रहे हैं अरे भैया हट तो भाग जाए क्या स्टीफन बोल्टमैन लॉ